तो यहाँ पे हैरी के लिए लंच बॉक्स तैयार हो रहा है। तो अभी नाना नूनू करते करते मार्केट को निकल रहे हम लोग। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह 9:15 से। तो यहाँ पे बहन का चल रहा है लंच की तैयारी। यहाँ भी यही सिस्टम है, सुबह लंच बन जाता है इसका भी। इस तरह से मैं बनाती हूँ सुबह लंच। पर ये लोग लंच लेट में करते हैं इसलिए, क्योंकि हैरी तो नाश्ता करके जाते हैं और हैरी के लिए पैक किया जाता है लंच बॉक्स। वहाँ शहरी लोगों के लिए होता है, हैरी के लिए लंच बॉक्स पैक होता है। तो बस वही तैयारी चल रही है, हैरी का नाश्ता तैयार हो रहा है। और ये देखो भाई अलग लगा किचन पे। तो यहाँ पे हैरी के नाश्ते में तैयार हो रहा है मूसली। मैं सोची थोड़ी मैं भी खा लूँ, ठीक है। तो ये मूसली तैयार हो रहा है भैया। यहाँ पर नीले बॉयल अंडे छिल रहे। क्या हो गया अंडे को? तू तो कहते मस्त अंडे अंडे वो भी है ना। और भैया अंडे बॉयल अंडे छिल रहे। तो यहाँ देखो जोई को देखो, वेट कर रही कब अंडे छिलेंगे, कब मुझे नाश्ते में अंडे मिलेंगे। और दोनों बच्चे अभी हमारे सोए पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे बस नाश्ते की तैयारी चल रही है। मैंने अपने लिए मेरे लिए चाय और ब्रेड सेक लिया मक्खन में। तो ये रहा ब्रेड और चाय, तो मैं चाय और ब्रेड खाऊंगी। मम्मी का है व्रत, हमेशा व्रत ही रखती रहती है। हाँ, और ये नाश्ता, तो उसको नाश्ता करते हैं। और अभी सुबह उठते उठते मैं यहाँ पे नेल पेंट की सेकंड कोटिंग लगाई है। तो मैं सोच रही हूँ ब्रेड, हाँ कल से मेरा बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो रहा है। पता नहीं क्यों रखता सिर दर्द, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। रात को भी मैं पता है बाम वाम लगा के सोई थी। अभी भी है एसी में सोने से ना। हाँ, पर गर्म तो कितना हो रहा था फिर। सही का तुम्हारा शरीर, मेरा शरीर मुझे दर्द हो रहा है, क्या बताओ। मुझे घर जाने का मन कर रहा है। मैं कह रही हूँ कि आज चले जाते हैं घर वापस, तो देखते क्या होता है। क्या पता शाम तक हम लोग घर भी निकल सकते हैं। मम्मी बोली एक दो दिन के लिए अपने पतियों को नहीं छोड़ सकते और अपना उन्हें पति को नहीं छोड़ पा रही हूँ मम्मी। और हमसे कह रही है लव यू और मुझसे। तो बस ये मम्मी कह रही, तुझसे भी कह रही, मम्मी तुझसे भी कह रही चल करिए। मैं तो चलो कम से कम अभी कुछ दिनों तेजम लेकर के आई। तू तो अपने पति के संग ही आ रही है, अपने पति के संग ही जा रही है, जहाँ भी जा रही है जहाँ भी आ रही है। हे भगवान, मैं इस बार मेरे पर कहाँ था, मुझे कहीं घर जाना था तो जाना था। ये अंडे भैया ने जी पूरी तरह से क्या छिले यार, बाय गॉड। देखिए अंडे, यही तो मम्मी को खाता है ना। ये ना जो अंदर का जो वाला चिपकल नहीं होता ना, अगर वो नहीं छिले ना। अरे मम्मी चाय नहीं होगी, चाय पी लो। हैरी का नाश्ता मोस्टली हेल्दी ब्रेकफास्ट मूसली। यार मूसली वाली चीज में क्या करें, मूसली है ये नाश्ता। अरे ये तो भैया भी खा सकता है मूसली। भाई वहाँ पे लवी को अंडे बॉईल करना सिखा रहा है कि इसको ऐसे बॉईल क्या करना बोल, तब तेरे अंडे अच्छे से वो दे। अलग भी आपके साथ स्टाइल भैया सिखा रहा है वो दे। माते गाना, मम्मी हिंदी गाना बहन सीखी ली, सीखी तू सीखी ना बोले। बहन सीख रही है बोल ना छीना। यार तुम्हारे चक्कर में मेरी चाय ठंडी हो रही। मम्मी चाय पियो, मम्मी चाय पियो, मम्मी चाय पियो, मम्मी पहले चाय पियो फिर अगला फोन में। हाँ फिर तारीख तो 16 तारीख तक, 14 तारीख को, 14 तारीख को। अच्छा आज को मतलब, ये वहाँ का है ना मुझे सही काम। तो यहाँ पे हैरी के लिए लंच बॉक्स तैयार हो रहा है। ये रहा राजमा जिसमें मक्खन मारा है ऊपर से बहन ने अपने पति के लिए, साथ में चावल फरफराट फरफर चावल। और क्या बनाया,
ना लंच बॉक्स तैयार हो जाएगी, क्या बताऊँ। रोटी है, सैलेड है, दही है, राजमा है, चावल है, साथ में लास्ट में सिरडी से, और लास्ट में इतने बड़े बैग में डाल लिए पिट्ठू में। लंच बॉक्स चले गया बैग के अंदर। ये बस सुबह सुबह अपने पति के लिए दिन के पेट का पूजा की। क्यों ये हमारे भाई अभी ब्रेड और चाय भी नहीं हुए। अंडा खाली, अंडा सब जो ही खा दिया, बोले जो ही अपना हिस्से का तो खाया गया, भैया का भी सब जो ही खा दे लिए नीचे, यही खा रही है। हेलो माना तन्नू आ गया। गुड मॉर्निंग हेलो मॉम, गुड मॉर्निंग। या बदमाश है, बदमाश बेबी। सुबह सुबह एक बीवी की कहानी। सुबह उठते चूल्हे से स्टार्ट का, ये है रिका नाश्ते का प्लेट। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने नाश्ता किया था 9:30 बजे करीब, और अभी 11:11 हो रखे और हम लोग यहाँ पे अपना लंच खाने लगे हैं। राजमा चावल दही है ना, जा ये रहा। आ गई भाई, आ गई भाई, बुला रहा है। वाह, इस मूवी लगा दी है उसने। मम्मी रो रही अपने बालों को संवारते हुए, दिया अपना लंच लेते हुए, और गुन्नू मुझे बॉल से मार रहा है, पीछे से मुझे बॉल से मार रहा है, बोले बोले। और रो रही बहन, और भाई बुला रहे हैं मूवी देखने। कोई नई मूवी आई है, मतलब मूवी देखते हैं तो अभी नाना नूनू करते करते मार्केट को निकल रहे हम लोग। मेरा तो था, हाँ मेरा तो था कि मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरे सिर दर्द हो रही है और अभी भी हल्की हल्की हो रही है, बट ये भाई साहब खोले, भाई साहब के जिससे जाया जा रहा, कह रहा है यहाँ बरेली आके बरेली की मार्केट ना जाए तो ऐसा हो सकता है। मैं रेडी हो चुकी हूँ, भाई रेडी है, लवी भी रेडी है, बस आ रही बाहर। मम्मी गई है वॉशरूम मार्केट जाने से पहले, मैं भी हुआ हूँ क्योंकि मेरे ख्याल से सभी की आदत होती होगी कहीं ना कहीं जब हम जाते हैं तो वॉशरूम पहले हुआ है। तो मार्केट निकल रहे थोड़ी देर में, मौसम ठीक है भैया, उमस वाली गर्मी है, काली धूप कह सकते हो आप उसे, बारिश हुई थी यहाँ पे साथ में साइड में। भैया उधर रात को थी, रात को हुई ना हमारी, वो भी रात को हल्की छिटा बाकी हुई थी, बोला भैया क्योंकि ये भटकती आत्मा है, रात भर घूमता रहता है, तो इसी को पता है बारिश, हमको तो पता भी नहीं चला। तो बस थोड़ी देर में निकलते हैं हम लोग मार्केट को, और बरेली की मार्केट घूम के आते हैं। मैंने कहा भैया से मैन, हम लोग बरेली मार्केट जा तो रहे हैं तो बरेली की मार्केट में बरेली का झुमका होगा, तो बोली पता नहीं कौन सी मार्केट में, उसको खुद ही नहीं पता है। कह रही मैं खुद ही अभी ये मार्केट पूरी नहीं घूमी बरेली की, तो चलो जितना भी घूमेंगे घूम के आते हैं। आ गए लो बाहर को, चलो जल्दी फिर टाइम से आएंगे। और ये दिया ने गिफ्ट किया है अपनी मौसी को, जब ये नोएडा में ही दिया, कोरोना के टाइम पर फंसी नहीं थी वहाँ पर। चलो तुम्हारे किस्मत दिया था दिया ने गिफ्ट की, ये रही बहन, मेरे को स्कूल का बैग टांग के तैयार हो गई है स्कूल गर्ल, मेरे को अरे गमछा हम दोनों ने सही जैसा है, सेम टू सेम दोनों बहन एक जैसे गमछा पहन के। गाइस फटाफट, हाँ हम दो बहनों के वैसे ज़्यादा तो कपड़े मैचिंग होते हैं, वो है। चलो 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 चल, अरे छाता रख लें क्या, नहीं बल चलो भैया रोड लगे, चलो चलो। श्रेया दिया गुन्नू बेबी और जोई घर पे ठहरी गए ऑफिस। चलो ये देखो यार, मैंने बता रही है मार्केट के बारे में इसको, जिसको जाना है जल्दी। ये देखो एक नाक पूजे करके बैठी हुई है, बहुत बुरा हो रही करके छोड़ दे मम्मी, एक ऑटो चेंज करके अब दूसरी ऑटो में हम लोग बैठ चुके हैं, चेंज हो गई सीट भी, मम्मी आ रही इधर, मैं हुई इधर और भैया हो गया इधर, दूसरे ऑटो में ना अभी हमें दो ही ऑटो चेंज करने हैं, ऑटो करने शाहजहाँपुर जाता है वाला फ्लाईओवर जो बन रहा है, अभी और ऑटो चेंज करना ही है, दो ही करना है, दो ही ना वैसे क्या पता तीन ऑटो नहीं पहुंच चुके हैं मार्केट और हमारी शॉपिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये देख दिखा मैं सबसे पहली शॉपिंग ये रही, अभी घर जाके दिखाएंगे क्या करा शॉपिंग, मैं तभी बाजार नहीं आ रही थी, बहुत भीड़ भाड़ हो रही है यहाँ पे, फ्लाई ओवर बन रहा है चक्कर में, ज़्यादा गजपा गोच 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 हो रहा है, हाँ छाया बारिश से भी बच जाएगा। शॉपिंग कर करके हमारी हालत खराब हो चुकी है, और अभी बजे 5:05 तो अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं यहाँ पे दीनानाथ की दुकान पे, यहाँ पे लस्सी मिली है, लस्सी मिली है, बड़ी भी आए हैं और दीनानाथ ना दीनानाथ की लस्सी ना पी है।
बरेली तो क्या कहूँ, अपने को अच्छा बनाने चाहे रबड़ी दिया मुझे वापस भी ले सकती है जैसे वीडियो बंद हुई तो जैसे ही मैंने वीडियो बंद करी मेरी बहन ने फिर से वाला खुद ले लिया और मुझे फिर से सादा वाला दे दिया हमने स्पेशल वाली लस्सी ले ली वापस भैया पीना भैया पीना भैया पूरा हो ले लाली में ये पूरा अच्छी में पूरा पीना पर मैं नहीं पीऊंगी नहीं छह बजने वाला है हम लोग घर पहुंच चुके हैं और ये देखो दीना खा रही है दीनानाथ के वास्ते रबड़ी लस्सी लेके आए बच्चों के लिए भी हैरी के लिए श्रेया दिया दोनों के लिए लेके आए हैं तो लस्सी को एंजॉय कर रहे हैं हमें रबड़ी और यहाँ पे शॉपिंग निकाली जा रही है क्या क्या शॉपिंग करी रही दिया की रबड़ी लस्सी पर दिया नहीं खा रही है मतलब रबड़ी लस्सी भी होंगी मैं और यहाँ ये पर्स जो हम लेके आए आज ये भैया लेके आए अपने लिए एक लबी और एक मैं लेके आए तीन पर्स लेके आए शॉपिंग दिखाई जा रही है बच्चों को लग सुन पे रबड़ी खा रहा है यहाँ आया ऐसे कहता है कर रहा था यहाँ पर चलिए डिनर बनाने की तैयारी तो आज हम रहे आलू नूटीला की रसदार साग क्योंकि मम्मी का व्रत है मम्मी का रोज ही व्रत रहता लगता है मुझे तो ज़्यादातर व्रत ही व्रत है नूटीला मैंने फ्राई कर लिया कुकर में बनाऊँगी रोटी बनाएंगे और यहाँ पे मम्मी के लिए बहन पापड़ तल लिया और साथ में चाय बनाई मम्मी ने बहन ने क्योंकि आज सुबह से चाय नहीं पी रही है क्यों मैंने सुबह पी थी मतलब दिन से चाय नहीं हुई मम्मी ने और मम्मी पूजा कर रही है तो फटाफट हम लोग सब्जी बना लेते हैं मैं बनाती सब्जी बहन बनाएगी रोटी ये भैया ने अपने नाश्ता बनाया था प्याज अलग हटा देना ऐसे इतना भी क्या हो चाहे भैया ने प्याज पूरा कर देता प्याज को जगह प्याज हो ना मम्मी के तो अभी हम लोगों ने डिनर कर लिया है और हम लोग आ चुके हैं रूम पे और ये देखो यहाँ पे इसने डिनर नहीं करा और ये खाती खाती फल के कब से लगी हुई क्या इसका नाम प्रिंकल्स ये खाती हुई लगी है मॉल से लेके आए थे उस दिन और इतने समय से बेचारा कैसे बच गया पता नहीं कहीं खा के खोल के खाता नहीं लगता कैसे देख लो चेक करके आपको भरोसा नहीं रस पता है सील बंदी है तो भरोसा नहीं पता सील खोल के खाने लग गया था ऐसे भी यार मुझे खाया था मिठाई ना बजे मैं कह रही अभी सब नानी लोग सभी लोग रूम पे आएंगे ना उसके बाद खाएंगे सब लोग मिल बांट के भाई अकेले खा रही होगी उसको देखो जरा तो बस और कुछ नहीं थकान मिटाते हैं और करते हैं सोने की तैयारी तो इसी के साथ ब्लॉग की पेंडिंग कर रही हूँ अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा फिर मिलूंगी आपको मैं अपने अगले ब्लॉग में तब तक के लिए ओके टाटा बाय।